हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट प्रत्यूष। अगर आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास बेस्ट सेगमेंट रहने वाला है एथर 450X का। ये इंडियन मेड होने की वजह से अपने प्राइस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा फिट बैठता है। साथ ही में कंपनी ने जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है नो डाउट काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। तो इस डिटेल्ड वीडियो रिव्यू में मैं आपसे शेयर करूंगा इसकी प्राइसिंग डिटेल स्पेसिफिकेशन, साथ ही मैं आपको क्या कंपनी प्रोवाइड कराती है प्राइस सेगमेंट में मैं भी वो भी बताऊंगा आपको। तो बने रहेगा मेरे साथ जानने के लिए डिटेल से। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, इससे आप ऐसी कोई वीडियो मिस ना कर पाए और टेक्नोलॉजी की दुनिया में, ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपडेट बने रहे। दोस्तों, ये आप एथर कंपनी का 450X एडिशन देख रहे हैं। इसमें आपको दो मॉडल देखने को मिल जाते हैं, प्रो और प्लस। ये आप इसका प्रो एडिशन देख रहे हैं जिसका एक्स शोरूम प्राइस तकरीबन 1,48,000 रुपीज़ है। दोस्तों, मैं आपसे कुछ इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन शेयर करता हूँ। सबसे पहले इसका फ्रंट प्रोफाइल आप चेकआउट कर लीजिए। तो जैसा कि आप चेक कर पा रहे होंगे, आपको ऊपर की तरफ LED DRL देखने को मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसके मेन हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो आपको LED सेटअप में हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलेगा क्लियर लेंस के साथ, जिसमें आपको थोड़ी सी आपको क्रोम फिनिश में या कह लीजिए सिल्वर फिनिश में आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। या आप इसका ग्रीन कलर वेरिएंट देख रहे हैं। रियर टेल लैम्प की बात करें तो आपको फुली LED टेल लैम्प देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको एथर की बैजिंग भी देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी लगता है। दोस्तों, नो डाउट कहीं से भी आपको ये फील नहीं कराता स्कूटर की एक आप नॉर्मल स्कूटर यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है इसका। फ्रंट टायर साइज की बात करें तो आपको 12 इंच का एलॉय व्हील रेडियर टायर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको ऑब्वियस सी बात है ट्यूबलेस देखने को मिलेगा। साथ ही में इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है फ्रंट और रियर दोनों में ही 200mm का। दोस्तों, कंपनी ने इसमें CBS यानी कि सेंट्रलाइज ब्रेकिंग सिस्टम का भी यूज़ किया है, जो एक आपको बेटर ब्रेकिंग क्वालिटी प्रोवाइड कराएगा। टायर की डिज़ाइन की बात करें तो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जो इसका कॉम्बिनेशन है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है। आपको जैसे कि चेकआउट कर पा रहे होंगे, आपको ऑरेंज स्ट्राइप देखने को मिल जाती है, जिससे इसका जो फील है काफ़ी ज़्यादा रेस डायनेमिक भी आता है। डिज़ाइन फ्यूचरिस्टिक होने की वजह से दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि ये इंडिया में डिज़ाइन नहीं हुआ। इसकी एक बेंगलोर स्टार्टअप कंपनी है एथर, जिसने इसको फुल्ली इंडिया में डिज़ाइन और बनाया है। पहले के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते थे, इलेक्ट्रिक डिज़ाइंस होती थी स्कूटर्स की, वो बाहर के देशों से जैसे कि चाइना वगैरह से इम्पोर्ट होती थी, लेकिन ये फुल्ली इंडिजीनियस होने की वजह से अपने प्राइस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड आपको देखने को मिलता है। तो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा फेवरेट स्कूटर्स में से एक है। तो इसके कॉम्पिटिशन की बात करें तो इसका टफ कॉम्पिटिशन बजाज के चेतक TVS के iQube से होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा ट्रेंडी डिज़ाइन देखने को मिलता है नो डाउट, जैसा कि चेकआउट कर पा रहे होंगे आप। आपको ऊपर की तरफ ब्लैक पियानो फिनिश के साथ ग्रीन कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको तीन कलर ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, वाइट, ग्रीन और ब्लैक कलर। अगर आप दूसरे कलर्स का भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उनका भी रिव्यू आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, जो इसका रियर जैसा कि चेकआउट कर पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्लीक है, साथ ही में काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर है। रियर में आपको जो टेल लैम्प है उसमें वो LED फंक्शनल टेल लैम्प देखने को मिलता है। अब इसके हैंडल बार डिज़ाइन को लेकर बात कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम क्वालिटी कंपनी प्रोवाइड कराती है नो डाउट। काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है जैसे कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्विच गियर्स की भी जैसे कि आपने देखा है। अब इसके मेन TFT डिस्प्ले को लेकर बात करते हैं तो दोस्तों, इसमें आपको 7 इंच का फुल्ली एंड्रॉयड स्नैपड्रैगन पावर्ड 1GB रैम 8GB इंटरनल मेमोरी के साथ एंड्रॉयड कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपनी नेविगेशन, म्यूजिक, साथ ही में कई राइडिंग मोड्स फुल्ली टच स्क्रीन होने की वजह से काफ़ी इजी टू यूज़ हो जाता है। दोस्तों, आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड भी देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया, इसमें मैप्स, म्यूजिक सब कुछ आप यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप इसका चार्जिंग पोर्ट चेकआउट कर पा रहे होंगे, फ्रंट में ही देखने को मिल जाता है, जिससे काफ़ी इजी टू यूज़ हो जाता है स्कूटर चार्जिंग के टाइम। ये एक चार्ज में फुल चार्ज होने में तकरीबन 5.5 घंटे लेता है, जिसके बाद ये 85 किलोमीटर का ये आपको बैकअप प्रोवाइड कराता है। थोड़ा सा जो बैकअप है मुझे इसका कम लगा, कंपनी इसको अप्रॉक्स 100 किलोमीटर की बैटरी अगर इसमें यूज़ करती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी। दोस्तों, इसमें आपको लिथियम आयन बैटरी देखने का यूज़ देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 2100 सेल की देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया, इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। अब इसकी सीटिंग को लेकर बात करते हैं तो इसका जो सीटिंग है, पोस्चर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी यूनिबॉडी आपको सीट देखने को मिल जाती है सॉफ्ट कुशनिंग के साथ, जो थोड़ी सी हाइटेड पिलियन सीट है, जिससे इसका जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, काफ़ी स्पोर्टी आता है। पीछे की तरफ आपको मैट ब्लैक कलर की ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाती है।
दोस्तों बूट में आपको जैसे कि चेकआउट कर पा रहे होंगे, काफ़ी ब्रॉड एलईडी लैंप देखने को मिल जाता है, जिससे आप रात के टाइम एक्सेस करेंगे काफ़ी इजी टू यूज़ हो जाएगा। फ्यू बूट कैपेसिटी की बात करें तो आपको 22 लीटर देखने को मिल जाती है। अब इसके पावर और टॉर्क को लेकर बात करते हैं तो इसमें आपको 3.3 किलोवाट की मोटर देखने को मिल जाती है, जो कि आपको 80 की स्पीड प्रोवाइड कराएगी, याद कि 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड टॉप स्पीड प्रोवाइड कराएगी। दोस्तों ये 0 to 63.4 सेकेंड्स में ही गाड़ी गेन कर लेती है, जिससे आप समझ सकते होंगे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आपको मोटर देखने को मिल जाती है। रियर टायर प्रोफाइल की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 12 इंच का रियर अलॉय व्हील रियर टायर देखने को मिल जाएगा, और साथ ही में आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है 200 mm का। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी शेयर किया था, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। और रियर सस्पेंशन को लेकर बात करते हैं तो इसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों कंपनी ने इसमें फुली एल्युमिनियम फ्रेम यूज़ किया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाती है गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। नो डाउट बहुत ही ज़्यादा स्लीक और काफ़ी ज़्यादा सोवर डिज़ाइन है, जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे। साथ ही में ऑरेंज कलर की बैजिंग में आपको इथर का लोगो देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये बेल्ट सिस्टम पर वर्क करती है, जिससे जो इसका पावर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया, ये अप्रॉक्स 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड टॉप स्पीड गेन कर लेती है बहुत ही कम टाइम में। दोस्तों रियर प्रोफाइल की बात करें तो जैसे कि आप टर्न इंडिकेटर्स चेकआउट कर पा रहे होंगे, आपको एलईडी सेटअप में देखने को मिलते हैं। रियर टेल लैंप की बात करें तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जो कि आपको एलईडी सेटअप में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एथर की बैजिंग देखने को मिलेगी। नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों जैसे कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, सीट के नीचे आपको फ्रेम दिख रहा है, वो इससे जो लुक है गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा एनहांसिंग हो जाता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी है स्कूटर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और ये अपने कॉम्पिटिटर्स में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, साथ ही में जिस प्राइस सेगमेंट में कंपनी इसे प्रोवाइड करा रही है, नो डाउट काफ़ी बेस्ट है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मोटरसाइकिल या स्कूटर के अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।